नमक का दारोगा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों ही होते हैं, लेकिन जब हम अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा हृदय निष्कपट हो जाता है। आइए प्रेमचंद द्वारा रचित इस कहानी के माध्यम से असत्य पर सत्य की और धन की ताकत पर ईमानदारी की जीत को देखें और समझें। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यापार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को जब यह सुखद समाचार मिला तो भूले ना समाए। सर्दियों के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार सभी नींद में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी अभी मीठी नींद सो रहे थे कि अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनकर उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी, डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ काना फूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहां जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ा तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, ये नमक के ढेले थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराते हुए आकर कहा, महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वे जैसा चाहती हैं नचाती हैं। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान खाया और फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? वंशीधर रूखे स्वर में बोले, सरकारी हुक्म। अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह तो हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और आपको भेंट ना चढ़ाएं। अलोपी दीन की बातें सुनकर वंशीधर कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा।
मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। ऐसा अपमान इससे पहले उन्होंने कभी ना सहा था। बड़े दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। अलोपी दीन के स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक उन्हें धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुनीम से बोले, लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक की नौबत आ पहुंची, किंतु धर्म पूरी वीरता के साथ पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हटे। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। 25,000 नहीं, 25,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा तो मूर्छित होकर गिर पड़े, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। तमाम अधिकारी वर्ग उनके भक्त, उनके सेवक, वकील उनके आज्ञा पालक और चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल ना था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु वे भी लोभ से डामाडोल, यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा वासा ही दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में लिखा, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निराधार हैं। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं, थोड़े से लाभ के लिए वे ऐसा काम नहीं करेंगे। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह ही बीता होगा कि मुअत्तली का आदेश आ पहुंचा, कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो अपना सिर पीट लिया। बड़े ईमानदार बनने चले हैं, पढ़ना लिखना सब अकारत गया, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बोले, वृद्धा माता को भी दुख हुआ, तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। एक दिन संध्या के समय बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपी दीन है, झुककर दंडवत किया। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आपको कौन सा मुंह दिखावे, क्या करे, लड़का अभागा कपूत है,
ईश्वर ने संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद ना समझिए। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय कर सकूं। पंडित जी की बातें सुनी तो वंशीधर के मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा तो सद्भाव झलक रहा था। शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ हुआ उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की पेड़ी में जकड़ा हुआ था। आपकी जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर। अलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख कर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। वंशीधर कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूं। अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। अलोपी दीन ने कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास ना समा सका। कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया।